कहीं से भी नहीं मिल रही ICS की किताबें। हाँ तो भाई कैसे हैं आप सब, मैं होप करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। तो एक बात आपको बता दी जाती है कि 3 से मेरे कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं, ये कहना मेरा नहीं बल्कि इस लेटर का है। जी हाँ, इस लेटर का, ये मेरे कॉलेज वालों ने भेजा है क्योंकि मैंने गिफ्ट कॉलेज एडमिशन लिया और वो एग्जाम नहीं छोड़ते हैं, वो लेटर भेज देते हैं। यकीन नहीं है तो देख लें खुद ही। द क्लास ऑफ इंटर पार्ट 1 विल स्टार्ट ऑन मंडे सितंबर 3। ये देखें, ये लिखा। तो अभी मेरे पास यूनिफॉर्म भी नहीं है, यूनिफॉर्म अहमद भाई ले आएगा और अभी मैं लेने जाऊंगा बुक्स और आपको भी साथ लेके जाएंगे। और जो लोग समझ रहे हैं चाय नहीं बल्कि ये पानी है, क्योंकि मैं चाय पीता नहीं, मैं कॉफ़ी पीता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाय पसंद नहीं करता, पी लेता हूँ कभी कभार, लेकिन इतनी नहीं पीता जितनी मैं कॉफ़ी पीता हूँ, आपको पता ही है। हाँ तो भाई मेरी कॉलोनी में जितने भी शॉप्स थी वहाँ से मैंने पता करा ली है, वहाँ से कहीं से भी नहीं मिल रही ICS की किताबें। मतलब कि अजीब हालत है यार, ICS की किताबें नहीं मिल रही तो फ़ायदा उनके दुकान खोलने का। तो अभी मैं शहर जा रहा हूँ और देखते हैं वहाँ से मिलती है कि नहीं। भाई आखिरकार मिल गई हैं सारी ICS की किताबें। टू ड्राइवर अंकल, यस मेरे सामने ली है। शहर आना पड़ा इसके लिए हमें, कॉलोनी से तो मिली नहीं ना। जी मिली। चलो फिर चलते हैं। मैंने सर अपने कानों से देखा, इन्होंने मेरे सामने ये किताबें ली हैं और आंखों से सुना, उन्होंने बिल भी मुझे इनको दिया है। ये भाई कानों से देखते हैं आंखों से सुनते हैं तो बच के। ये नया पाकिस्तान है इसलिए है। तो भाई हमें लगी हुई थी बहुत सख्त भूख, तो हम आए यहाँ चमन फास्ट फूड। इसके अलावा और कुछ चीज़ लेंगे? जी बस बर्गर भी आ चुका है। अच्छी सर्विस है इनकी। वाह वाह वाह, वही टेस्ट है जो पहले था। हाँ। कमाल। और बॉस ने बर्गर खाया, मेरे मुंह में पानी आ गया, मैं क्या तो कैसे भाई तो फिर खाऊँ। तो भाई बर्गर खा लिया और मैं क्या मानो या ना मानो बहुत ही आला बर्गर था। क्यों ड्राइवर अंकल? जी जी बिल्कुल बहुत आला बर्गर था। अगर आपका चक्कर लगे सैटलाटोन तो ज़रूर अपनी भूख का इलाज चमन वालों से कीजिए। लेकिन ये मत समझ के आए कि यहाँ मुफ्त मिलते हैं, पैसे भी देने पड़ते हैं कि भूख लगी हो चलो चमन वालों के पास। You said you didn't even care, but your eyes just weren't really there. Love is nice, but I can't just cross the line. And I say, oh, I'm falling, oh, I'm falling. तो भाई अभी मैं इस वक्त घर पहुंच चुका हूं और मेरे साथ है आदिल भाई। इसके भाई साहब के पेपर हो रहे हैं, मतलब कि फाइनल नहीं हो रहे लेकिन पेपर हो रहे हैं, तो थोड़ा सा के फौरन बाद उन्होंने टेस्ट ले लिया, पढ़ना पड़ ही जा रहा है। तो पता नहीं किस तरह का अजीब स्कूल है APS, मैं कहता हूँ फुल नहीं स्कूल नहीं कॉलेज में है, बच्चे थोड़े हाई लेवल के हैं। बच्चे आप हैं अभी अभी आपने कॉलेज ज्वाइन किया ना, तो बाकी छोटे लग रहे हैं। इसका रिजल्ट भी आ रहा है फर्स्ट ईयर का? नहीं वो नहीं, तीन को वो नहीं पूछते, नहीं आ रहा। दुआ कीजिए इसके लिए, इसके 90% से ऊपर हैं। मुझे तो मुझे उम्मीद है, मुझे पता है इसके 90% से ऊपर है। 90% आओ। तो APS की बात कर रहा था, APS मैं कहता हूँ फजूल तरीन कॉलेज है, कोई भी गलती से वहाँ ना जाए, है ना। ये तो सबसे बड़ी प्रिकॉशन है कि वहाँ कोई भी नहीं जाए APS कॉलेज। ये अजीब लोगों से सुन ले बाद में ना कहना कि नहीं बताया था। चलें ठीक है फिर, ये था आज का अजीब ब्लॉग। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।